दोस्तों नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक का मोबाइल नंबर चेंज कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जो है मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखेगा पेटीएम बैंक, तो यहाँ पर आपको यहीं पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पेटीएम बैंक पे जब आप क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो यहाँ पे पासकोड डाल के भी यहाँ पे इंटर हो सकते हैं या आप फिंगरप्रिंट इंटर करके आप भी ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बैलेंस दिखाया जाएगा जो भी रहेगा बैलेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए एड योर ईमेल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको पहुँचा जाता है डिलीट यू पी आई डी हो जाएगा और डी लिंक आपका जो है बैंक अकाउंट हो जाएगा और डी लिंक योर पेटीएम वॉलेट फ्रॉम अदर ऐप्स हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका पैसे पड़े हुए हैं वो दूसरा जब मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करेंगे, जो रजिस्टर पहले से मोबाइल नंबर है उसी के द्वारा, पुराने के द्वारा हम करेंगे। तो यहाँ पे हम उस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक आपके जो पेटीएम से आपका लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। चलिए हम ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हम कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपका फेस मैच वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक अपना फ़ोटो ले लीजिए अच्छे से, और आपको थोड़ा सा फ़ोटो क्लियर होना चाहिए तब आपका फेस यहाँ पे मैच होगा। तो जब फेस मैच हो जाएगा तो फेस मैच होने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा, इंटर योर न्यू मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर इंटर करेंगे जो आप लिंक करना चाहते हैं नया मोबाइल नंबर पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, जब तक फेस वेरिफिकेशन मैच नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं आएगा। तो चलिए मेरा आ चुका है, इसका मतलब है फेस वेरिफिकेशन मैच हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है जो आप नया नंबर दिए हैं उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं और इंटर करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपके सामने देखिए मोबाइल नंबर अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। तो लॉगिन विथ न्यू मोबाइल नंबर पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन विथ न्यू मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस सिम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन आपको दिया जाता है प्रोसीड का। तो चलिए हम यहाँ पे जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, पूरी लाइव तरीके से हम इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो लिंक होने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगता है और यहां पे आपको देखिए पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक आपका आ जाएगा। तो यहां पे देखिए दिख रहा है पेटीएम बैंक, तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरा वहाँ पर दिख गया इसीलिए क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर जब बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आप बैलेंस भी आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक पे भी आप क्लिक करके पासकोड इंटर करके भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, यानी कि ओपन अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पासकोड भी इंटर कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं तो पीछे से आप फिंगर लगाएंगे और यहाँ पर इनेबल फिंगरप्रिंट पर आप क्लिक करेंगे पहले, और पीछे से आप फिंगर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका फिंगर एनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।